हेलो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। मेरे यूट्यूब चैनल मेहुल टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ऑनलाइन वर्क करते हो, आपको क्रोम ब्राउजर का उपयोग ज़्यादा करना होता है, आप इंटरनेट पे वर्क करते हो, तो आपको क्रोम ब्राउजर के ये हिडन फीचर्स ज़रूर से जान लेने चाहिए। ये फीचर्स जान लेने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप एंटरटेनमेंट के साथ अपना काम कर सकते हो। क्रोम ब्राउजर में ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। ये सारे फीचर्स सिर्फ 10% लोगों को ही मालूम है। तो क्या ये सब फीचर्स आपको देखना है और समझना है, तो ये वीडियो पूरा देखना। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर भी आप ऑल कर दीजिए, ताकि मेरी ऐसी नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्रोम ब्राउज़र में बहुत सारे हिडन फीचर्स हमारे काम के दिए हुए हैं। हम क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए अपना काम एंटरटेनमेंट के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है क्रोम ब्राउज़र के हिडन फीचर्स। उसके लिए हम पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र के सारे फीचर्स में मुझे एक फीचर्स बहुत पसंद आता है, वो मेरा फेवरेट फीचर्स भी है और मैं उसको बार बार यूज़ करता हूँ, तो मैं उसको लास्ट में दिखाऊँगा, तो ये वीडियो एंड तक देखना। पहले फीचर्स की बात करते हैं। दोस्तों, कभी हमको ऑनलाइन काम करते करते कुछ कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। मगर यहाँ पे हमको क्रोम ब्राउज़र में इजीली कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने को मिल जाती है। क्रोम ब्राउज़र में एक अच्छा कैलकुलेटर दिया हुआ है, ऊपर एड्रेस बार में आप कोई भी चीज़ टाइप कर लो, आपको नीचे तुरंत आंसर मिल जाएगा। आपको कोई भी प्रकार का कैलकुलेटर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे कितना भी लंबा हिसाब लगा लो, गुना हो, भागा हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेटर ओपन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, है ना अमेजिंग फीचर्स, क्या आपको ये मालूम था? ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। क्रोम ब्राउज़र का दूसरा हिडन फीचर्स है जो हम यहाँ दिखेंगे। ऐसा कोई लंबा आंकड़ा हमको प्रोनाउन करना है तो हमको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमको पहले उसको गिनना पड़ता है, फिर हम उसका प्रोनाउन कर सकते हैं। मगर क्रोम ब्राउज़र में इसका एक अच्छा हिडन फीचर्स दिया हुआ है। ये आंकड़े को आप एड्रेस बार में लिख के कॉपी कर लो, फिर यहाँ सर्च बार में आप पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसके पीछे सिंपली इन इंग्लिश टाइप करके एंटर कर दीजिए। इसका प्रोनाउन आपको यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ से इजीली इसको प्रोनाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमको दिखने को मिल जाता है 565,565,659, ये हमको प्रोनाउन इसका मिल गया है। तो यहाँ पे हमको बहुत आसानी से इसका प्रोनाउन मिल जाता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम इसको प्रोनाउन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगला फीचर्स देखने के लिए हम होम पेज पे चले जाएंगे। अगला फीचर्स जानने के लिए पहले हम क्रोम ब्राउज़र को थोड़ा साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में आपको इनबिल्ट पीडीएफ व्यूअर मिल जाता है, चाहे भी किसी भी प्रकार का पीडीएफ हो, आपके कंप्यूटर में ओपन नहीं होता हो, करप्ट हो, ख़राब हो, तो भी आप ये पीडीएफ को अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ओपन किया, नहीं हुआ, अब मैं इसको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। इसके लिए आपको सिंपल इसको ड्रैग करके एड्रेस बार पे ले जाना है, कि सिंपल एक एंटर दे देना है, और एंटर देते ही यहाँ पे आपका पीडीएफ फाइल खुल जाता है। देखिए, यहाँ पे पीडीएफ फाइल खुल चुका है और यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो और प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हो। है ना दोस्तों, अमेजिंग फीचर्स। आप चाहे ख़राब पीडीएफ फाइल क्यों ना हो, करप्ट पीडीएफ फाइल क्यों ना हो, आप यहां से इसको क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो और यहां से प्रिंट भी निकाल सकते हो। अगला फीचर्स देखने के लिए हम चले जाएंगे होम पेज पे। पीडीएफ के साथ साथ क्रोम ब्राउज़र में एक बहुत अच्छा फोटो व्यूअर भी दिया हुआ है। आप सिंपली पीडीएफ के जैसे ही यहां पे आप ड्रैग करके एंटर कर लीजिए, यहां पे आपको आपका फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। अगर कोई फॉर्मेट ऐसा है, वो फॉर्मेट का फ़ोटो आप यहां पे क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो, चाहे कोई भी फॉर्मेट का क्यों ना हो, यहाँ पे ओपन हो जाता है। है ना दोस्तों, अमेजिंग फीचर्स। अगला फीचर्स देखते हैं। जैसे क्रोम ब्राउज़र में आप पीडीएफ ओपन कर सकते हो, जेपीजी फाइल ओपन कर सकते हो, वैसे ही आप कोई भी प्रकार का वीडियो, कोई भी फॉर्मेट का वीडियो हो, आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके देख सकते हो। जो आपके कंप्यूटर के प्लेयर में सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्रोम ब्राउज़र में इसको ओपन कर सकते हो और इसका मज़ा ले सकते हो। इसके लिए आपको आपके वीडियो को सिंपल यहाँ क्रोम ब्राउज़र में एड्रेस बार पे ले जाना है, फिर एक एंटर दे देना है।
एंटर देते ही यहाँ पे आपका वीडियो प्ले हो जाएगा और आप इसका आनंद ले सकते हो, है ना दोस्तों। अमेजिंग फीचर्स और फुल एंटरटेनिंग के साथ अगला फीचर हमारे लिए बहुत काम का है। हम जब ऑफिस में कोई काम करते हैं और हमको कभी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उस टाइम हमारा सोशल मीडिया अकाउंट हम ओपन करके देख लेते हैं और इसको मेंटेन करते रहते हैं। मगर ज़्यादा टैब खुलने से हमारे काम में थोड़ी परेशानी होती है, तो आप यहाँ ग्रुप बना के अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हाइड कर सकते हो और टैब घटा सकते हो। पहले मैं मेरे यहाँ सोशल मीडिया अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने मेरे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल ओपन कर ली है। मेरी ये यूट्यूब चैनल में आपको एंड्रॉयड के सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे। आप अपना काम कैसे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हो इसके ट्यूटोरियल वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप कोई भी लैंग्वेज से इंग्लिश में कैसे चैटिंग कर सकते हो इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, तो आप इसको आराम से देखना, ये वीडियो आपको बहुत काम में आएगी। मगर आज यहाँ बात करनी है क्रोम ब्राउज़र के हिडन फीचर्स की, तो इसके लिए अब मैंने यहाँ तीन अकाउंट खोल लिए है। मैं इसको बार बार करके एक एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने तीनों तीन सिलेक्ट कर लिए और यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू ग्रुप में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप अपना टैब का नाम दे दीजिए, मैंने माय टैब नाम दे दिया है। आप अपना मनचाहा कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी यहाँ रेड कलर सिलेक्ट रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे तीनों सोशल मीडिया अकाउंट का एक टैब बन चुका है। अब जब चाहो ओपन कर सकते हो और इसको ऐड कर सकते हो। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ सोशल मीडिया अकाउंट खोल रखे है। आपको सिर्फ एक ही टैब दिखेगा, माय टैब, और बाकी आपके ऑफिस के जो काम के टैब है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप माय टैब पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सोशल मीडिया के अकाउंट के टैब खुल जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता कि यहाँ आपने सोशल मीडिया अकाउंट खोल रखे हैं, है ना दोस्तों। अमेजिंग फीचर्स आपको बहुत काम में आने वाला है। टैब को अनग्रुप करने के लिए टैब पे आप राइट क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको अनग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सिंपल आपका टैब अनग्रुप हो चुके हैं। हम ऑनलाइन काम करते हैं तब हम साथ में कोई मूवी या वीडियो नहीं देख सकते, मगर क्रोम ब्राउज़र में एक बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। ये फीचर्स की मदद से आप कोई भी काम करते करते साथ में मूवी या वीडियो देख सकते हो और अपना काम भी आसानी से साथ में कर सकते हो। तो हमारा काम एंटरटेनमेंट के साथ काम का काम भी हो जाएगा और एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो ये देखने के लिए मैं यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल का एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। वैसे बोला जाता है कि भी खुद का वीडियो खुद को नहीं देखना चाहिए, मगर कोई बात नहीं दोस्तों, आपके लिए ये भी मैं कर लूँगा। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने यहाँ मेरा वीडियो प्ले कर लिया है। अब ये वीडियो देख देखते मुझे कुछ काम करना है, तो यहाँ ऊपर तीन एरो और साइड में म्यूजिक का लोगो दिखता है, वहाँ पे क्लिक करते यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। वीडियो साइड में नीचे में आ जाता है। इसको हम ड्रैग करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं और इसकी साइज भी छोटी बड़ी कर सकते हैं। और साइड में वीडियो चालू होने के बावजूद हम कुछ भी काम यहाँ से कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन काम करना हो या कोई वेबसाइट में काम करना हो। हम वीडियो देखते देखते अपना मूवी देखते देखते हमारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ये फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। इसमें एक और भी एडवांटेज है, आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको ये किसी में किसी और को काम पड़ गया और इसको उसमें बैठना है तो आप अपना ये वीडियो बंद किए बिना ऑनलाइन अपने मोबाइल में भी शुरू कर सकते हो। इसके लिए सिंपल आपको यहाँ राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ QR कोड पे आपको क्लिक कर लेना है। आपका QR कोड यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको मोबाइल से स्कैन कर लीजिए तो सेम यही पेज आपके मोबाइल में तुरंत ओपन हो जाता है और अपने मोबाइल में ये वीडियो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो आपका एंटरटेनमेंट का जो वीडियो है, जो मूवी है, वो आपको यहाँ से छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप अपने PC की जगह अपने मोबाइल में कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना दोस्तों। अमेजिंग फीचर्स, ये फीचर्स मुझे बहुत ही पसंद आता है। तो देखा दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र में ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर्स है जो हमको अपना काम आसान करने में मदद करते हैं, साथ में हम एंटरटेनमेंट के साथ अपना काम इजीली कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्रोम ब्राउज़र के सारे हिडन फीचर्स जान सके और इसका इस्तेमाल कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।